उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम का सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में $1 बिलियन का बैटरी प्लांट लगाने का ऐलान। बैटरियां तैयार करने वाली ये कनाडा की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। वफाकी हुकूमत मनसूबे में $204.5 मिलियन तक का हिस्सा डालने का इरादा रखती है। कैनेडियन वजीर आजम का सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अमरीका का दौरा। हिंद बहरुल काहिल के अहम शराकत दारों के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। तजारती रुकावटों को दूर करने के लिए कनाडा की नई कोशिशों को फरोख देंगे। इसराइल में एक कैनेडियन की मौत की तस्दीक। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने पीस एक्टिविस्ट विविन सिल्वर की मौत की तस्दीक कर दी। एक कैनेडियन इसराइल में ताहाल लापता है। जो बाइडन की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीका पहुंच गए। 30वें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के वजीर आला डेविड एबी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि मेपल रिज ब्रिटिश कोलंबिया में $1 बिलियन से ज्यादा की लागत का लिथियम आयन बैटरी सेल प्रोडक्शन प्लांट तामीर करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के वजीर आला डेविड एबी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि मेपल रिज ब्रिटिश कोलंबिया में $1 बिलियन से ज्यादा की लागत का लिथियम आयन बैटरी सेल प्रोडक्शन प्लांट तामीर किया जाएगा। ट्रूडो और एबी का कहना है कि ईवन मॉली की नई सहूलत क्लीन टेक्नोलॉजी में आलमी रहनुमा के तौर पर कनाडा के किरदार को तकवीत देगी। ट्रूडो ने ऐलान के दौरान कहा कि इस तरह की आला कारकर्दगी वाली बैटरियां तैयार करने वाली ये कनाडा की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, जिसमें BC हुकूमत $80 मिलियन तक का हिस्सा डालेगी, जबकि वफाकी हुकूमत इस मनसूबे में $204.5 मिलियन तक का हिस्सा डालने का इरादा रखती है। इवन मॉली और निजी जराए बाकी फंडिंग फराहम करेंगे। ट्रूडो ने कहा कि BC क्लीन टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी इख्तिरात के लिए तवील अरसे से जाना जाता है और साफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को महफूज बनाना उसकी महारत पर इस्तवार होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया कनाडा की तरफ देख रही है। जब हम मेपल रिज में इवन मॉली की नई सहूलत जैसे मनसूबों की हिमायत करते हैं, तो हम एक आलमी क्लीन टेक लीडर के तौर पर कनाडा के किरदार को तकवीत देते हैं, अच्छी मुलाजमतें पैदा करते हैं और अपनी हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। ये वो मुस्तकबिल है जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। हर एक दिन मौसमियाती पॉलिसी इक्तिसादी पॉलिसी है। ट्रूडो सान फ्रांसिस्को में एपेक सरबराह इजलास के लिए गोल्डन स्टेट का रुख कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ट्रूडो सान फ्रांसिस्को में एपेक सरबराह इजलास के लिए गोल्डन स्टेट का रुख कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो सान फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के 3 रोज़ा इजलास के लिए कैलिफोर्निया जा रहे हैं। ट्रूडो कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्यों न्यूजम से मुलाकात करेंगे, जो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की कोशिशों में एक तवील अरसे से लिबरल सोच रखने वाले इत्तेहादी हैं। हुकाम का कहना है कि वो टेक रहनुमाओं के साथ खैर मकदम इशाइये से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से मेज़बानी के बाद दिन के आखिर में एपेक के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। ट्रूडो दरियासना एपेक के साथी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातों के दौरान हिंद बहरुल काहिल में पॉलिसी की तरजीहात पर ठोस पेशरफ्त का हदफ रखेंगे।
वफाकी हुकाम का कहना है कि हिंद बहरुल काहिल के अहम शराकत दारों के साथ कम अज़ कम दो दो तरफा इक्तसादी इकदाम कैनेडा की डिलरेबल फहरिस्त में शामिल होंगे। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अदम मौजूदगी से ये भी इम्कान नहीं है कि ट्रूडो के हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट्स और जून में BC में एक मुमताज़ सिख रहनुमा की फायरिंग से मौत के दरमियान ताल्लुक के इल्ज़ाम के गिर्द ज़्यादा पेशरफ्त हो। APEC में कैनेडा के लिए अभी भी काफ़ी अहम काम बाकी है। हुकाम का कहना है कि दुनिया के इस हिस्से में मेज़ पर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ किए जाने वाले फैसले नस्लों तक कनाडा के बाशिंदों पर असरंदाज होते हैं। ट्रूडो के अहम अहदाफ में APEC ममालिक के साथ गहरा तआवुन शामिल है, जो दरमियानी तबके की तरक्की और सेहतमंद इलाकाई मुसाबकत को फ़रोग देगा, जिसकी नज़र मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने की तरफ है। हुकाम का कहना है कि ट्रूडो ज़्यादा मौसर खुराक की पैदावार और सेहतमंद सप्लाई चेन्स को फ़रोग देने के साथ साथ पैसिफिक रिम के ममालिक के साथ तजारती रुकावटों को दूर करने के लिए कनाडा की नई कोशिशों को फ़रोग देंगे। ग्लोबल अफेयर्स ने इसराइल में कैनेडियन की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि सिर्फ एक कैनेडियन अभी तक लापता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स ने इसराइल में कैनेडियन की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि सिर्फ एक कैनेडियन अभी तक लापता है। कैनेडा के पीस एक्टिविस्ट विवन सिल्वर की मौत की तस्दीक के बाद ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान अब भी सिर्फ एक कैनेडियन लापता है। पिछले 4 हफ्तों से GAC ने इत्तला दी है कि 2 कैनेडियन लापता हैं। नई अपडेट में एजेंसी ने कैनेडा से मुंसलिक 8वें शख्स की मौत की भी तस्दीक की, अगरचे एजेंसी ने उस शख्स की शनाख्त के बारे में मजीद मालूमात फराहम नहीं की और ना ही उसके बारे में पहले ख्याल किया गया था कि वो लापता हैं। लेकिन ये तब्दीलियाँ सिल्वर की तरफ इशारा करती नजर आती हैं, जिनकी मौत की तस्दीक पीर को खानदान ने की थी। असल में सिल्वर के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो 7 अक्टूबर के हमले में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए 239 यरगमालियों में से एक थी, लेकिन उनके बेटे ने बताया कि उनके खानदान को मालूम हुआ है कि वो असल हमले में मारी गई थी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिल्वर की बाकियात की शनाख्त पीर को इसराइल में हुई। पिछले महीने मुझे उसके एक बेटे से मिलने का मौका मिला। मैंने उसकी गर्मजोशी, उसकी शफकत और इसराइलियों फलस्तीनियों के दरमियान पुल बनाने के लिए उसकी ज़िंदगी भर की वाबस्तगी के बारे में सीखा। GAC ने मंगल को रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा से मिस्र जाने वाले किसी भी नए कैनेडियन की क्रॉसिंग की इत्तला नहीं दी। पीर को 10 कैनेडियनों को मिस्र में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। सरहदी क्रॉसिंग, जो इस वक्त महसूर इनक्लेव से निकलने का वाहिद रास्ता है, नवंबर के आगाज से ही महदूद तादाद में गैर मुल्की शहरियों और जख्मी फलस्तीनियों को मिस्र में दाखिल होने की इजाज़त दे रही है, ताहम ये भी कई दिनों से बंद है। मंगल की ताज़ा कारी के मुताबिक GAC गजा में 390 कैनेडियंस मुस्तकिल रिहायशियों और ख़ानदान के अफराद से रबते में हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के शहर सान फ्रांसिस्को पहुँच गए। शी जिनपिंग अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन की दावत पर अमरीका पहुँच गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के शहर सान फ्रांसिस्को पहुँच गए। शी जिनपिंग अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन की दावत पर अमरीका पहुँच गए। मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग अमरीका और चीन के इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। 6 सालों में चीन के सदर का ये पहला दौरा अमरीका है। चीन और अमरीका के सदर की मुलाकात में इसराइल, फलस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक्तिसादी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन की दौरे की दावत पर अमरीका पहुँचने वाले चीनी सदर सान फ्रांसिस्को में 30वीं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने दौरे अमरीका के दौरान सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात के दौरान चीन और अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी सदर 30वें APEC इकोनॉमिक सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सान फ्रांसिस्को पहुँचने पर चीनी सदर को खुश आमदीद कहने के लिए ओवरसीज चीनी बाशिंदों का एयरपोर्ट पर रश देखने में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी बाशिंदों ने एयरपोर्ट से होटल तक कतार बनाकर चीनी सदर को खुश आमदीद कहा। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV।